हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र वशीकरण का एक प्रचंड प्रयोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस प्रयोग से आप किसी को भी, जी हाँ किसी को भी, अपने आकर्षण पास में, वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में बांध सकते हैं या बांध सकती हैं। चाहे किसी युवती का वशीकरण करना हो, युवक का वशीकरण करना हो, पति का वशीकरण करना हो, पत्नी का वशीकरण करना हो, प्रेमी प्रेमिका किसी का ही वशीकरण करना हो, साथ में किसी अधिकारी को, किसी राजा वर को, किसी नेता को, किसी को भी आप बस में करना हो, अपने बास को बस में करना हो, या किसी को भी जिससे अपना मनचाहा कार्य करवाना चाहते हैं, बस और बस उसका नाम लिख लीजिएगा। मैं जहां बता रहा हूं उसका, मैं जहां बता रहा हूं वहां पे नाम लिख करके जो प्रक्रिया बता रहा हूं उस प्रक्रिया को करके देखिएगा। चाहे वो आपका शत्रु हो, चाहे मित्र हो, प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, अधिकारी हो, राजा हो, नेता हो, कोई भी हो, पल भर में, क्षण भर में उसका हो जाएगा संपूर्ण वशीकरण। वह तन मन धन से आपका होगा या आपकी होगी। अगर आपकी प्रेमिका है, पत्नी है, तो बेचैन हो जाएगी आपसे मिलने के लिए। प्रेमी है, पति है, तो औरों की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखेगा इसके प्रभाव से। एक एक स्टेप को आपको बारीकी से सुनना है, समझना है और पूरा वीडियो अंत तक देखना है। अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि पल भर में, क्षण भर में आपके सभी सपने चकनाचूर हो जाते हैं। जो आपको दिल से भी प्यारा था, आप पर अपनी जान छिड़कता था, अचानक से उसके इस प्रकार के व्यवहार को देख करके आप क्षुब्ध हो जाते हैं। निराशा की ग्रंथि प्रचंड रूप से उभर करके बाहर आती है। किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता है, न सोने का मन करेगा, न खाने का, न पीने का, कहीं जाने का भी आपका मन नहीं करेगा, घुट घुट करके ज़िंदगी हो जाती है। जब आपको वियोग का सामना करना पड़ता है, जब आपका पार्टनर आपको धोखा देता है, कभी कभी तो पार्टनर धोखा भी नहीं देता है, मगर उसके व्यवहार से ऐसा लगने लगता है कि मानो अब वह मुझे इग्नोर कर रहा है या इग्नोर कर रही है, रिश्ता चल ही नहीं पाएगा। जब इस तरह की ध्रुव स्थितियाँ आती हैं तो नाना प्रकार की टेंशन, नाना प्रकार की चिंताएं, नाना प्रकार की बीमारियां आप स्वयं ही आमंत्रित कर लेते हैं। इस तरह की सिचुएशन से आपको बचना है, गहरी गहरी सांस लेना है। प्रेम का अर्थ यह नहीं है कि आपको वियोग ही मिले, कभी कभी तो आप बेवजह डाउट भी कर लेते हैं। रिश्ते टूटते नहीं हैं, लेकिन आपने शक और संदेह पैदा करते करते रिश्तों को स्वयं ही तोड़ दिया। हम आज इस वीडियो में एक इस प्रकार का प्रयोग लेकर के आप लोग सामने उपस्थित हुए हैं, जिसको आप आजमा लेंगे तो आपका रूठा प्यार वापस आ जाएगा। वन साइडेड लव के शिकार है तो वह भी टू साइडेड हो जाएगा। जिसको दिल से चाहते हैं वह आपके करीब आ जाएगा। जो रिश्तों में दरारें उत्पन्न हो रही थी वह भी खत्म हो जाएंगी। रिश्ता कोई भी हो सकता है, पति पत्नी का रिश्ता हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता हो सकता है, माता पिता, पुत्र भाई बहन, इष्ट मित्र, रिश्तेदार कोई भी हो सकता है। जीवन के इस भाग दौड़ में कभी कभी यंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है, कभी कभी तंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है, कभी कभी तो हम प्रयोग करते भी हैं, सफलता भी मिल जाती है, मगर अनेकों बार ऐसा देखा गया है कि प्रायः सफलता नहीं मिलती है। तो क्या कारण है? अगर आपने किसी को बस में करने के लिए वशीकरण का प्रयोग किया, यंत्रों का प्रयोग किया, तंत्रों का प्रयोग किया, मंत्रों का प्रयोग किया, फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती है, तो हो सकता है कि कहीं आपके कुंडली में ऐसा दोष तो नहीं है, आपके हस्तरेखा में तो कोई दोष नहीं है, या आपकी एनर्जी तो कहीं बैलेंस नहीं है। अगर आपकी एनर्जी भी बैलेंस नहीं होती है तो भी रिश्ते आपसे दूर चले जाते हैं। एनर्जी बैलेंस है तो रिश्ते आपके पास आएंगे
और यदि एनर्जी डिसबैलेंस हो गई तो आपके अपने रिश्ते भी आपसे दूर चले जाएंगे। तो आवश्यकता है अपनी एनर्जी को बैलेंस करना। इन सब चीज़ों को आप एक साथ कैसे पिरो सकते हैं, आपकी एनर्जी कैसे आप पता कर पाएंगे, आपके हस्त रेखा में कोई दुर्गुण है कैसे पता कर पाएंगे, आपकी कुंडली में कुछ दोष है कैसे पता कर पाएंगे, कहीं कुछ वास्तु दोष तो नहीं है जिसके चलते भी ऐसा होता है। इन चारों चीज़ों का समाधान आपकी कुंडली का, आपके हस्तरेखा का, आपके वास्तु का और आपकी एनर्जी का व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा अपना पूरा डिटेल। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके, आप लोग का हस्तरेखा को रीड करके, वास्तु को रीड करके, कुंडली को या एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करूँगा। हाँ, यह लंबी प्रक्रिया होती है, इसमें कुछ दक्षिणा भी लिया जाता है और आवश्यकता पड़ी तो अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा। लेकिन यह जो वीडियो मेरा आज का है, इस वीडियो को भी आजमा के देखिएगा, अपने आप में बहुत चमत्कारिक और असरदारी प्रयोग है। श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ इसको आजमाइएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगा। क्या करना है आपको, जैसे मैं यंत्र बता रहा हूँ पहले वैसे यंत्र आप लिखिए, फिर देखिएगा चमत्कार। दो आपको स्क्वायर बना लेना है, देखिएगा क्या क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। अ आ ई ई उ ऊ री री ले ली, उसके बाद से फिर इस पर लिखा है अ इत्यादि ड्रीम श्रीम, फिर इधर लिखा है ए ऐ ओ ओ अंग अ, फिर क ख ग घ अंग च छ ज, जैसे जैसे लिखा है मैंने क्रम से नहीं पढ़ा है, आपको वैसे बना लेना है। कैसे बनाना है, कुमकुम से भोजपत्र पर लिखकर, अच्छा बीच में लिखा है देवदत्त, फिर लिखा है छो युम क्रिम, देखिएगा तो जहाँ देवदत्त लिखा है ना वहाँ पे उस व्यक्ति का, स्त्री या पुरुष का नाम लिखना है। ये सब करने के बाद इसको अपने पास रख करके, बस पास ही रख लीजिए, उसके बाद हो जाएगा कल्याण, बाकी यंत्र अपना काम कर लेगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और तन मन धन से किसी का वशीकरण करना चाहते हैं तो 5.3 डिग्री का वशीकरण यंत्र का प्रयोग करके देखिएगा, हो जाएगा चमत्कार। धन्यवाद, राम राम।